यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के दौरान रूस के टैंकों की कमजोरियां उजागर होने के बाद भारतीय सेना ने अपने बेड़े में शामिल रूसी टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा। दूसरों के अनुभवों से भी सीखकर नई जरूरतें पूरा करने की दिशा में भारत तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। भारतीय सेना के पास रूस से लिया गया टैंक T-90 भीष्म है, जिसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी की वानगी हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमांड के युद्धाभ्यास के दौरान टैंक T-90 भीष्म के ऊपर टॉप अटैक प्रोटेक्शन केज लगा देखा गया, जिसे एंटी ड्रोन केज, कोप केज या स्लेट ऑन आर्मर भी कहते हैं। ड्रोन्स की वजह से अब जंग का चेहरा बदल गया है। बड़े ड्रोन्स जैसे अमेरिकन रीपर या तुर्की का बेरक्तार बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टैंकों और जवानों पर अटैक के लिए सस्ते ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे बचने में एंटी ड्रोन केज कारगर माने जाते हैं। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी टैंकों पर लोहे की एक जालीदार छत दिखती थी। ऐसी छतरियां इजरायली टैंक्स पर भी दिखाई पड़ी। एंटी ड्रोन केज टैंक के ऊपर सवार मशीन गन चलाने वाले जवान को आत्मघाती ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड और हेलीकॉप्टर से आने वाली गोलियों के हमलों से बचाता है। कोप केज शब्द तब प्रचलन में आए जब इन्हें रूसी टैंक्स के ऊपर लगा हुआ देखा गया। यूक्रेन में घुसपैठ के समय रूस ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसका पहला इस्तेमाल 2020 में नोगर्नो काराबख युद्ध के दौरान किया गया था। ये जंग आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही थी। बाद में इसके और नाम भी पड़ गए, जैसे एंटी यूएवी रूफ स्क्रीन्स टैंक के ऊपर लगे कोप केज छोटे मोटे आत्मघाती ड्रोन अटैक से हिफाजत कर लेते हैं। इसमें जवान जख्मी हो सकते हैं, लेकिन जान जाने का जोखिम कम हो जाता है। हालांकि ज्यादा ताकतवर ड्रोन, बम या एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट से ये बचा नहीं सकता। T-90 टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसकी मदद से T-90 के कमांडर लंबी दूरी पर भी टारगेट का पता लगा सकेंगे। नई रेट्रो मॉडिफाइड कमांडर साइट में रात में भी टारगेट का पता लगाना आसान हो जाता है। थर्मल इमेजर की मदद से 8 किलोमीटर तक टारगेट का पता आसानी से लग जाता है। वहीं LRF यानी लेजर रेंजर फाइंडर की मदद से 5 किमी तक टारगेट डिटेक्ट हो जाता है, जिससे लंबी दूरी तक लक्ष्य साधने की क्षमता बढ़ गई है। T-90 टैंक के कमांडर बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर और LRF में सुधार के बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाने का पता लगा सकते हैं, उस पर निशाना साध सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं।